जम्मू कश्मीर हाईवे पर सफर हुआ महंगा। कार जीप के 5 रुपए बढ़े, अब 135 रुपए लगेगा टोल। श्री अमरनाथ यात्रा से ठीक पहले प्रदेश में दाखिल होने पर लगने वाला हाईवे टोल बढ़ा दिया गया है। देश में लोकसभा चुनाव के आखिरी चरण के मतदान की प्रक्रिया को पूरा होते ही रविवार को नेशनल हाईवे अथॉरिटी ने इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है। अब सोमवार से लखनऊ टोल से गुजरने वाली कार, जीप, वैन या लाइट मोटर व्हीकल को 135 रुपए चुकाने होंगे। इससे पहले 26 जनवरी को जारी अधिसूचना के तहत इन वाहनों से अब तक 130 रुपए वसूले जा रहे थे, अब प्रति वाहन 5 रुपए अतिरिक्त चुकाने होंगे। इसी तरह से अन्य कई वाहनों के लिए बढ़ोतरी की गई है। उधर टोल प्लाजा के 20 किलोमीटर दायरे के लोगों के लिए 290 रुपए का मासिक पास निर्धारित किया गया है। इस साल जनवरी में जारी अधिसूचना के बाद लखनपुर टोल प्लाजा पर हल्के मोटर वाहनों से एकल यात्रा के लिए 130 रुपए, 24 घंटे में ही वापसी यात्रा के लिए 195 रुपए का भुगतान तय था। टू एक्सल वाली बसों और ट्रकों को एकल और वापसी यात्रा के लिए क्रमशः 435 रुपए और 655 रुपए वसूले जा रहे थे। अब हल्के मोटर वाहनों को एकल यात्रा के लिए 135 रुपए चुकाने होंगे। 24 घंटे में ही वापसी यात्रा के लिए 195 रुपए का ही भुगतान करना होगा। हल्के मालवाहक और मिनी बसों को राहत, नहीं बढ़ी दरें। हल्के वाणिज्यिक वाहनों, हल्के मालवाहक और मिनी बसों को 210 रुपए और 315 रुपए का भुगतान कर रहे थे। नई दरों में इसमें कोई बढ़ोतरी नहीं की गई है। वहीं टू एक्सल वाली बसों और ट्रकों को एकल और वापसी यात्रा के लिए अब क्रमशः 440 रुपए और 660 रुपए वसूले जाएंगे। थ्री एक्सल वाणिज्यिक वाहनों को अब 480 रुपए और 720 रुपए का भुगतान करना पड़ेगा। HCM, EME और MV सहित 4 एक्सल वाणिज्यिक वाहनों के लिए 695 रुपए और 1,035 रुपए चुकाने होंगे, जबकि बड़े आकार के वाहनों 7 या अधिक एक्सल को एकल और वापसी यात्रा के लिए क्रमशः 845 और 1,265 रुपए का भुगतान करना होगा। नई दरें नए वित्तीय वर्ष के साथ ही प्रभावी होनी थी, लेकिन चुनाव के चलते अधिसूचना जारी नहीं हो पाई थी। ऐसे में मतदान संपन्न होने के बाद नई दरों को लागू किया जा रहा है। नई दरें सोमवार से प्रभावी होंगी।